आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के नगर पंचायत के घनी आबादी के भीड़ भाड़ वाले बीच बाजार में दिनदहाड़े युवा कपड़ा व्यवसायी की बाइक सवार तीन बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और दहशत फैलाने के नियत से हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। 5:30 बजे प्रदीप अग्रहरि नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई। वो लगभग 37-38 साल के व्यक्ति थे। उनका अपने ससुराल वालों से पूर्व रंजिश चली आ रही थी। उनकी पत्नी की मौत भी इनके घर पे ही थाना फूलपुर के मार्केट में ही हुई थी। और इन लोगों का कहना है कि वही जो ससुराल वाले थे इनके, उन लोगों ने ही आदमी भेज के इनकी हत्या करवाई है। और इन लोगों ने नामजद तहरीर दिया है थाने पर, मुकदमा दर्ज हो रहा है। गिरफ्तारी के लिए टीमें हमारी यथास्थिति पर गई हुई हैं, उनके जहाँ पे मिलने की संभावना है। और गिरफ्तार करके वो लोग ले आएंगे यहाँ पे। संभावना है कि उनके द्वारा ही कोई सूट अरेंज किया गया है पैसे दे करके, और उनसे ही इनकी हत्या हुई है। वो पूरा मामला दुश्मनी का है। ये प्रदीप एक छोटे से कपड़े की दुकान करते थे। इनकी पत्नी की विगत 2 बरस पहले घर पे मौत हुई थी, उसका मुकदमा भी लिखा हुआ है इनका। प्रदीप ने भी मुकदमा कोर्ट के माध्यम से लिखवाया हुआ है। दोनों पर मुकदमेबाजी चल रही है और इसी रंजिश को लेकर प्रदीप की हत्या हुई है। पुलिस के अनुसार मृतक के ससुराल वालों से रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर के हत्या की गई। मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर ससुर व साले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ से भी इन समाचार के लिए राकेश वर्मा की रिपोर्ट।